अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले 3 माह से क्रिकेट बिल्कुल बंद हो चुकी थी कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन आईसीसी ने किया है फैसला और सीरीज जो है अब लग चुकी है। वेस्ट इंडीज टूर करने जा रहा है इंग्लैंड का दोस्त। तो दोस्तों कितनी खुशी है आपको इस दौरे से, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट फाइनली बहाल होती हुई नजर आ रही है। आप सब अपने हीरोज को फिर से खेलता हुआ ग्राउंड के अंदर में देख सकेंगे, यानी ऑडियंस तो जो है ग्राउंड के अंदर में अलाउड नहीं होगी, आप टीवी पर ही देख सकेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जितने बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से लाइक का बटन आपने जरूर दबाना है। चैनल पे पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो स्पोर्ट्स जर्नी को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सबसे पहले जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो स्पोर्ट्स जर्नी के जरिए आप सबको प्रोवाइड हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर में हम बताएंगे वेस्ट इंडीज जो कि टूर करने जा रहा है इंग्लैंड का 2020 का, और इधर 3 टेस्ट मैच की सीरीज होने जाएगी वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड का जो स्क्वाड है वो भी आप सबको इसी वीडियो में बताएंगे, और साथ साथ जो कि क्रिकेट स्कोर जो चलता रहेगा और साथ साथ जितनी अपडेट्स होंगी स्पोर्ट्स जर्नी के ऊपर में आप सबको वीडियो की सूरत में मिलती रहेगी। तो दोस्तों स्किप बिल्कुल नहीं करना इस वीडियो को, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि आप हमेशा अपडेट रहे। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, आप सबको बताते चले कि पूरे 3 महीने के बाद में अब जब क्रिकेट खेलने के लिए जा रही है और वेस्ट इंडीज ने जब फैसला किया है दौरे का, और इंग्लैंड जो है एक बहुत ही बड़ा जो है क्रिकेट के हवाले से एक ग्राउंड भी है, और उसके अलावा इंग्लैंड की जो प्लेयर है वो बड़े तगड़े और इंतजार में है कि कब वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स जो है इंग्लैंड पहुंचेंगे। उसके बाद में 14 दिन तक जो है वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को जो है एक कमरे में रखा जाएगा जहाँ पे उनका वायरस का टेस्ट होगा, उसके बाद में करवाई जाएगी प्रैक्टिस, और उसके बाद में यानी कि 8 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक पहला टेस्ट मैच आप सबको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों 3 टेस्ट मैच की ये सीरीज थी, जिसका दूसरा टेस्ट मैच मैं आप सबको बताता चलूं 16 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक जो है ये टेस्ट मैच होगा, और तीसरा टेस्ट मैच जो होगा वो 24 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक जो है खेला जाएगा। तो दोस्तों 3 टेस्ट मैच की ये सीरीज है, याद रखिएगा। अब मैं आप सबको वेस्ट इंडीज के स्क्वाड के बारे में बता देता हूँ। जेरमी ब्लैकवुड, जॉन कैंपबेल, क्रेग ब्रैडफोर्ड, जेसन होल्डर जो है कैप्टनसी करेंगे वेस्ट इंडीज की तरफ से, शर्मन ब्रुक्स, निर्मल वॉर्नर, रेक्ली वॉर्नर, रायमन राइफर, रॉसन चेज, शे होप विकेट कीपिंग की फराइज अंजाम देंगे, उसके अलावा शेन डॉरेज को विकेट कीपिंग सेकेंड विकेट कीपर के तौर पे जो है रखा गया है। उसके बाद अगर बात करें अल्जारी जोसेफ होंगे जो कि फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, उसके अलावा केमर होल्डर होंगे जो कि जेसन होल्डर के ही भाई हैं जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर है, ये एक नया नाम जो है आप सबको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर बात करें केमर रोज जो कि वेस्ट इंडीज के काफी जो है टैलेंटेड फास्ट बॉलर्स में से एक है, ये एक नाम जो है वेस्ट इंडीज के अंदर में आपको देखने को जरूर मिलता है। तो दोस्तों वेस्ट इंडीज का स्क्वाड के बारे में आप सबको मैंने बता दिया है। अब मैं आप सबको मेन बात बताता चलूं कि अटेंडेंस जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि किसी को भी जो है ग्राउंड के अंदर में बैठने की यानी तमाशाइयों को बैठने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी गई है। आप बिल्कुल अपने इस मैच को अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो अपने घर पे अपने टीवी के ऊपर में लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इस मैच को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंदर में आप सबको एक और बात भी बताता चलूं कि जब बॉल को जो है थूक लगाने वाली जो रिवायत होती थी यानी साफ करते थे वो चीज को भी अब आईसीसी ने बंद कर दिया है, क्योंकि एक जो है केमिकल उनको दिया जाएगा अंपायर को और वो ही बॉल के ऊपर भी यूज होगा शाइनिंग के लिए भी, बॉल करवाने के बाद भी रुमाल से जो साफ किया करते थे वो भी चीज को अब बिल्कुल बंद कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अच्छी खबर ये है दोस्तों, क्रिकेट जो है बहाल होती हुई नजर आ रही है। वेस्ट इंडीज ने टूर किया है इंग्लैंड का, उम्मीद करते हैं अच्छा और तगड़ा सीरीज होगी, और वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स यानी अभी मैंने जो आपको स्क्वाड के बारे में बताया है स्क्वाड के अंदर में अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स भी तैयार है, तो इंग्लैंड के प्लेयर भी साथ साथ तैयार है, लेकिन इंग्लैंड ने अभी तक अपना 14 रुकनी स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है। तो जैसे ही इंग्लैंड इस दौरे के लिए 14 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस करता है स्पोर्ट्स जर्नी सबसे पहले अपने व्यूअर्स के लिए एक वीडियो बना के जरूर पेश करेगा। आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही था, वीडियो अगर अच्छी लगी तो
इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल के ऊपर अगर फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मजे मजे की वीडियोस आप स्पोर्ट्स जर्नी के ऊपर में इंफॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं। तो गाइस मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुएब अहमद अपने होस्ट को दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।